नमस्कार, समाचार बुंदेलखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जॉली। आइए सबसे पहले नजर डालेंगे झांसी की कुछ खास खबरों पर। झांसी जिले के शहर कोतवाली क्षेत्र में स्थित नमकीन बिस्किट के गोदाम के बेसमेंट में अचानक आग लग गई, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड और बचाव राहत की टीम मौके पर पहुंच गई। बताते चले कि झांसी जिले में शहर कोतवाली अंतर्गत डडियापुरा बैंकर्स कॉलोनी में नमकीन बिस्किट का एक निजी गोदाम है, जिसमें लाखों का माल भरा हुआ है। आज गोदाम के बेसमेंट से स्थानीय क्षेत्रवासियों ने धुआं उठते हुए देखा। आनन फानन में इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई। फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और बचाव राहत कार्य शुरू करते हुए आग बुझाने का प्रयास शुरू कर दिया। आग बेसमेंट में लगे होने के कारण काबू पाना मुश्किल हो रहा था। आग को बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं गोदाम संचालक आशीष ने बताया कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी है, जिसमें लाखों का माल जलकर राख हो गया है। झांसी से मनीष अली के साथ विजय माहौर की रिपोर्ट। जानकारी मिली कि आपके गोदाम में आग लग गई, नीचे देखा तो शॉर्ट सर्किट से मतलब आग लगी हुई थी। कितने का माल रखा हुआ था, कितना नुकसान आपका हो गया? सर अब ये तो लिखा पड़ी कागजों की थी और कागज भी सब शायद पता नहीं जल गए, क्या हुआ अब वो तो देखना पड़ेगा। जो भी है यहाँ से कौन कौन सा काम करते हैं यहाँ पर, कौन कौन सी चीज़ अंदर थी गोदाम में? गोदाम में कौन कौन सी चीज़? नमकीन बिस्किट वगैरह, टोस्ट वगैरह, चिप्स वगैरह, कन्फेक्शनरी का माल रखते हैं। अभी आग बुझा पाई कि नहीं बुझा पाई फायर ब्रिगेड? अभी पूरी आग बुझी नहीं है, अभी भी काम जारी है। कब लगी थी आग? सुबह 6:30-7 बजे के समथिंग लगी होगी। कितनी गाड़ियाँ आ गई लगभग अभी तक? गाड़ियाँ तो काफ़ी आ गई हैं, 12-13 गाड़ियाँ लग चुकी हैं। बैंकर्स कॉलोनी में एक गोडाउन में परचून के गोडाउन में आग लगने की सूचना प्राप्त हुई। तत्काल एक गाड़ी भेजा गया, पुनः देखा गया कि आग बड़ी है, इसलिए सारी गाड़ी जनपद की यहाँ की फायर स्टेशन के जनपद की लगा दी गई हैं। अग्निशमन की कार्रवाई जारी है। कितनी गाड़ियाँ आ चुकी हैं अभी तक? 5 गाड़ियाँ लगी हुई हैं, लगातार अग्निशमन की कार्रवाई कर रही हैं और लगभग नियंत्रण में है। और चूंकि बेसमेंट में है आग, इसलिए काफ़ी दिक्कत हो रही है बुझाने में। और परचून का सामान है, प्लास्टिक का एक तरह का सामान है, स्टोरेज है, इसलिए आग बुझाने में और बुझने में थोड़ा समस्या आ रही है। जल्दी शीघ्र ही इसको काबू कर लिया जाएगा। ये करीब 7:45 बजे तक लगी है। हम इसको ट्राई कर रहे हैं जल्दी बुझा लेंगे।